बिग बॉस ओटीटी 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में 16 कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया था, जिसमें की 5 को बाहर कर दिया गया है। बीते वीकेंड का वार में बिग बॉस हाउस में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर यूट्यूबर अदनान से की एंट्री हुई। अदनान के आते ही घर का माहौल काफ़ी गर्मा गया। ऐसे में अब लोगों को इस वीक के वीकेंड के वार का बेसब्री से इंतज़ार है। सुनने में आ रहा है कि एल्विस यादव और मिस्टर फैजू शो पर आने वाले हैं। इसी बीच अब अरमान मलिक ने एल्विश के करियर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। बता दें, अरमान मलिक ने बीते एपिसोड में बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव को लेकर बात की और बहुत सी बातें कह दी। अरमान साई केतन राव से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये आदमी एल्विश इसके लवकेश कटारिया सपोर्ट में खड़ा है ना, इसको कहते हैं लक, सिर्फ लक। ना तो क्रिएटर अच्छा, ना तो सिंगर अच्छा, ना गाने में एक्ट देने वाला अच्छा, ना ब्लॉगर अच्छा। ये बात मैं मुंह पर कह सकता हूँ उसे। वो थोड़ा सा कूल लगता है, बस इसी वजह से चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, उठा के देख लो। अरमान ने आगे ये भी कहा कि ब्लॉग उठा कर देख लो, बिना सिर पैर के कंटेंट उठा कर देख लो। ओवर एक्टिंग से भरी पड़ी है, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस किए जा रहे हैं। लोगों को रोस्ट किया, जैसे मुझे भी रोस्ट किया। किसी की बुराई, किसी को नीचा दिखाना, ऊपर उठने की सोचते हैं, लेकिन 90% सिर्फ लक। अगर वाकई में वीकेंड के वार में एल्विश में एंट्री होती तो अरमान के लिए उनका ये बयान भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।